देखें एक अच्छे पोजीशन पे आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर साइड पे वो चढ़ जरूर चुके हैं FPS, इस चीज का उनको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे चढ़ा बड़े आसानी से जा सकता है, वो जो छोटे छोटे शैक हैं या जो भी चीजें हैं बड़े आसानी से ऊपर चढ़ा जा सकता है, तो इस चीज का उनको ध्यान देना पड़ेगा कि ओपन में ना आए उनके लिए बेहतर रहेगा। बट आप वाइपर को देखें इस वक्त पूरी तरीके से शांत रुके हुए हैं। बट युवा को आप देखें अगेन ऊपर जाते हुए आपको दिखाई देंगे, पूरी टीम को पूरी FPS की स्क्वाड को यहाँ पे एक साइड पे ढकेला गया। बट क्या युवा ने वहां पे पायरेट को देखा नहीं, मुझे एक बार के लिए लगा शायद वो देख सकते हैं, बट चलिए अब फाइनली पायरेट को स्पॉट किया गया। बिल्कुल, और एक प्लेयर जो पीछे से DMR एक्शन के द्वारा डाउन किया जाएगा, इनफैक्ट वन इसकी जो स्क्वाड है वो यहाँ पर आ जाएगी एंड सोल के युवा जो है वो भी डाउन हो जाएंगे। अब दोनों ही टीम की मुश्किल पड़ सकती है बिकॉज वाइपर जो है वो भी यहाँ पर डाउन हमें देखने को मिलेगा। टीम सोल से मात्र दो खिलाड़ी बचेंगे, वीरू एक बार फिर से अपनी टीम की जो कमान है वो संभालेंगे। 30% आ चुके टीम सोल के पास, एक आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव करे उनको भी स्पॉट कर लिया जा चुका है। पहला स्क्वाड एलिमिनेशन यहाँ पर आने ही वाला है, चेस किया जा रहा है एक रैट एंड कैट का गेम। पायरेट कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। मीनवाइल यहाँ पर जो प्लेयर नॉक्ड आउट है युवा उनको अभी भी रिवाइवल नहीं दिए गए, अगर वीरू यहाँ पर नॉकआउट होते हैं तो मुश्किल जरूर से बढ़ सकती है, इसीलिए अभी टीम सोल के प्लेयर थोड़ा रुकने देखिए अपने आप को। उन्होंने हील कराया, आगे की तरफ जाएंगे, ग्रेनेड जरूर से फेंका गया लेकिन वो कारगर रहेगा नहीं। पायरेट डाउन, पहले टीम का एलिमिनेशन एंड टीम सोल 4 फिनिशेस के साथ, ये बढ़िया स्क्वाड वाइप, लेकिन वाइपर को वो यहाँ पर जरूर से खो देंगे। आप देखें आयरन साइड क्या बेहतरीन थर्ड पार्टी करने की कोशिश रही, कितना ज्यादा मुश्किल में डाला दोनों ही टीम को, और सबसे अच्छी बात क्या रही कि इतने ज्यादा दूर से उन्होंने शॉट्स कनेक्ट करे बट फिनिशेस के लिए